अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है वो हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो फेच करके हमने अपने स्टूडेंट पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाया था, और हमारे पास आउटपुट जो थी वो कुछ इस तरह की थी। ऐसा ही है ना, याद है ना सारों को? अगर मैं यस इसको सर, रिफ्रेश भी करता हूँ तो मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ना तो सिर्फ मैं सिर्फ व्यू कर सकूँ, बल्कि इसमें हम इंसर्ट भी तो कर सकें ना। अब हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट के लिए फर्दर काम करेंगे। तो इंसर्ट के लिए आ जाते हैं पहले। अच्छा जी, तो अब हम दोबारा DAL में आएंगे, और जिस तरह से हमने ये फंक्शन बनाया हुआ था, अब पहले मुझे जो है वो स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। किसके लिए? इंसर्ट के लिए। तो अब आ जाते हैं क्रिएट प्रोसीजर, सॉरी, और प्रोसीजर क्या है, इंसर्ट स्टूडेंट, और इनपुट में हमारे पास आएगा पहले एस नेम आ जाएगा। एस नेम जो है उसकी टाइप वारचार है, और यहाँ पे हमने 25 रखा हुआ था। उसके बाद इनपुट में आ जाएगी ईमेल, और ईमेल भी हमारे पास है वारचार वेरिएबल करेक्टर 25 ये था। उसके बाद हमारे पास इनपुट में आएगी डिग्री, और डिग्री भी हमारे पास वारचार की थी, और ये आई गेस मेरे पास कितने करेक्टर्स की थी, 6 या 8 की थी, तो वो हम देख लेते हैं। खुला हुआ है वैसे। सचिन, हम इधर आ जाते हैं और यहाँ पे आकर देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास टेबल था स्टूडेंट का, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। जी, डिग्री जो है वो 6 है वार्चा, और यहाँ पे आ गया वार्चा लेंथ 6, और फिर लास्ट इनपुट जो है वो हमारे पास DID की है, और ये जो है इंटीजर टाइप का है, और इसका साइज कितना है हमारे पास हम देख लेते ट्वेंटी हैं, फाइव 25 है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है मॉडिफाइज SQL डाटा, पिछला जो हमने स्टोर से बनाया था वो क्या कर रहा था, वो रीड कर रहा था SQL डाटा को, अब ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इधर हमारे पास सिंपल इंसर्ट की क्रिया आ गई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे एस, और इसमें हमारे पास वो आ जाएगा क्या कहते हैं एस नेम, और एस नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद डिग्री, और डिग्री के बाद DID, और उसके बाद आ जाएगा वैल्यूज। और अगर आपने यहाँ पे एस नहीं रखना तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दी, कौन सी हमने दे दी, नेम आ गया, उसके बाद मेल आ गई, उसके बाद डिग्री आ गई, और फिर डिपार्टमेंट ID जो है ये हमने पास कर दिया। चले जी, अब हम इसको यूज करते हैं। पहले पहले इसको इधर जाते हैं, और SQL में जाके इसको एग्जीक्यूट किया तो ये चल पड़ी हमारे पास, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको कॉल करके भी कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने किया कॉल इंसर्ट स्टूडेंट,
और इसमें नेम मैंने पास कर दिया एलिजा, और उसके बाद डिग्री आ गई BSSC, सॉरी उसके बाद ईमेल है ना, तो मैंने लिख दिया lisa123@msn.com, उसके बाद BSSC, और ये मेरे ख्याल से सेकंड डिपार्टमेंट है। मैंने इसको कॉल करके देखा, लो जी ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, स्टूडेंट में जाके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आए जी, एलिजा का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, और ऐसे के लिए हमारे पास 2 ही था। चलो जी गुड हो गया। अच्छा इसका मतलब ये है कि हम इसको अब इधर कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने इसी फंक्शन को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया, और इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, इंसर्ट स्टूडेंट रख दिया। और फंक्शन हमने कौन सा कॉल किया, इंसर्ट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हमें, और इधर डॉलर साइन आ गया OBJ स्टूडेंट एंटिटी। अब हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे इसके साथ चीजों को बाइंड कर देना है। तो मैंने कॉलन लगाया एस नेम का, और फिर कॉमा कॉलन, और फिर ईमेल, फिर कॉलन डिग्री, सॉरी, और फिर कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे आ गया कॉलन DID। तो अब यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर के बाद हमने फेच तो नहीं करना, तो ये वाला सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करने से पहले ये जो हमने वैल्यूज दी, ये पैरामीटर्स, हम इसको बाइंड करेंगे। तो अब स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, बाइंड पैरम, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है बाइंड पैरामीटर्स का, तो हम उसको यूज करेंगे, और पैरम का शायद P कैपिटल हो, देख लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पे कॉलन एस नेम दे दिया, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल्स देने हैं जिसको हमने इसके साथ बाइंड करना है। तो हमें अपनी वैल्यूज जो है वो टेम्पररी तौर पे वेरिएबल्स में रखवानी पड़ेंगी। एस नेम इज इक्वल टू हमारे पास $OBJ स्टूडेंट एंटिटी, और इसका हमने क्या कॉल कर लिया, गेट एस नेम जो है वो कॉल कर लिया, ठीक है। और फिर हमने बनाना है वेरिएबल किस नाम से, ईमेल के नाम से, और हमने गेट क्या कर लिया, ईमेल कर लिया। फिर हमारे पास आएगी डिग्री, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गेट डिग्री आ गया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास DID आ गया, और यहाँ पे हमारे पास गेट DID आ गया। इधर मैंने लिख दिया डॉलर एस नेम, ये वाला जो वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वैल्यू आई थी उसके साथ मैंने इसको बाइंड कर दिया। फिर अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे एस नेम के बाद फिर क्या है, ईमेल है, और इधर भी क्या आ गया, ईमेल आ गया। ईमेल के बाद फिर है डिग्री, और यहाँ पे भी बाद में डिग्री आ गया, और फिर एंड पे DID आ गया, और इधर भी DID आ गया। तो इस तरह से करते करते हमने क्या किया, हमने अपनी सारी वैल्यूज जो हैं वो पास करवा दी, किसमें, फंक्शन को पास करवा दी, और हमारा डाटा जो है वो अब इसके अंदर सेंड हो गया, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, ये आगे जाके क्या हो जाएंगी, फाइल में इंसर्ट हो जाएंगी।
अब ये फंक्शन हमें इधर भी बनाना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे आ गया मेरे पास इंसर्ट स्टूडेंट, और इसके अंदर स्टूडेंट एंटिटी आ गई और डॉलर ओबीजे स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट एंटिटी। और इधर हमने क्या किया, अच्छा जी इधर फिर हमने डॉलर ओबीजे स्टूडेंट डेल के थ्रू हमने कॉल कर लिया इंसर्ट स्टूडेंट, और उसमें हमने ओबीजे स्टूडेंट एंटिटी जो है वो पास कर दिया। ठीक है, ये चीज हमने इधर पास कर दी। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, ये भी हमने सेव कर दिया। हम वापस आते हैं यहाँ पे, अभी इधर तो एक ही लेबल था, अब हम आते हैं यहाँ पे और डिव्स क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आ गया मेरे पास लेबल, और लेबल में हमने लिख दिया एंटर नेम, और इधर आ गया मेरे पास इनपुट फील्ड टाइप जो है उसकी क्या है, टेक्स्ट है, और उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास इसका नेम आ गया, नेम जो है वो हमने एस नेम रख दिया, और फिर यहाँ पे हमने, और इस पे अगर हम प्लेस होल्डर भी लगा दें एंटर नेम, अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको कॉपी कर लिया, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया एंटर ईमेल, और इधर भी हमने इसकी टाइप ईमेल दे दी, और इधर भी हमने ईमेल दे दिया, और यहाँ पे भी हमने ईमेल लिख दिया। फिर आ गए यहाँ पे डिग्री, और यहाँ पे फिर टेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डिग्री आ जाएगा नेम इसका, और यहाँ पे भी हम डिग्री लिख देंगे। और बाय डिफॉल्ट जो है मैं सारों का फिलहाल जो है वो डिपार्टमेंट सेम रखने लगा, डिपार्टमेंट को हम बाद में अपडेट करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक और डिवीजन आ गई, अब यहाँ पे हमारे पास एक आ गया इनपुट फील्ड टाइप इज इक्वल टू, फिलहाल हम इसको सबमिट कर देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है मैंने रख दिया इंसर्ट ठीक है, और हाँ इसको जब मैं सेव करता हूँ और मैं अपना पेज व्यू करता हूँ स्टूडेंट वाला, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए बाकी चीजें मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, ऐसा ही है ना। अभी तो मैं नेम एंटर कर सकता हूँ, इधर ईमेल, और यहाँ पे डिग्री आएगी। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं, अभी हमने ये चीज डिसाइड नहीं किया कि जैसे बटन प्रेस होगा तब क्या करना है, ऐसा ही है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारे पास वो यही होता है कि वो रीडायरेक्ट कर देता है, अगर हम बटन दबाते हैं तो वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके मैंने एक इफ की कंडीशन लगा ली, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में गए, और यहाँ पे जाके हमने देखा कि अगर हमारे पास वैल्यू आई है तो क्या हुआ होगा,
ये सॉरी इज सेट हुआ होगा। अगर ये चीज सेट हो चुकी है इसका मतलब वैल्यू आ चुकी है। जब वैल्यू आ चुकी है हमारे पास तब हमने क्या करना है, उसको इंसर्ट करना है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोड फॉर इंसर्ट विल बी रिटन ओवर हियर। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इंसर्ट का कोड, और इंसर्ट के लिए हमने क्या करना है, हमें पहले वो सारी चीजें चाहिए, उसका मैंने आपको तरीकेकार बताया था, या तो मैं कंस्ट्रक्टर में पास कर दूं या हम सेटर फंक्शंस कॉल कर लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे स्टूडेंट एंटिटी इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, और यहाँ पे हमने क्या किया डॉलर ओबीजे स्टूडेंट एंटिटी का सॉरी सेट एस नेम वाला फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया क्या चीज डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया एस नेम। और इसी तरह से हम बाकी भी सेटर फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया ईमेल, और इधर भी आ गया मेरे पास ईमेल, और यहाँ पे आ गया मेरे पास डिग्री, इधर आ गया मेरे पास डिग्री, और यहाँ पे आ गया मेरे पास DID, और यहाँ पे मैं DID बाय डिफॉल्ट फिलहाल वन रखवा रहा हूँ, बाद में उसको चेंज करेंगे। OBJ स्टूडेंट DLL, इसके अंदर हमारे पास है इंसर्ट स्टूडेंट वाला फंक्शन, इसमें हमारे पास क्या जा रहा है डॉलर ओबीजे स्टूडेंट एंटिटी जा रही है, ठीक है। इसके अंदर ये जो फंक्शन था ये हमने क्या कहते हैं इसको कॉल किया, और उसमें हमने ये स्टूडेंट भेज दिया, और ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर सर आपको? अच्छा यस जी, इसको सेव करते हैं और हम इस पेज को रीलोड करते हैं। हाँ एक और चीज रह गई, इधर मैंने बताना भूल गया, फॉर्म के अंदर सर मेथड आ गया हमारे पास, मेथड इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कहते हैं उसको, एक्शन जो है इसके इक्वल होगा यहाँ पे स्टूडेंट डॉट PHP के इक्वल होगा। इसको मैंने सेव किया, और हम इसका एक दफा फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये देखें जी अब यहाँ पे एलाइजा भी है बच्ची, वो आ चुकी है। अच्छा जी, अब हम एक और नेम ऐड करते हैं अमार हबीब, और ईमेल जो है वो हमारे पास है amar@yahoo.com, और डिग्री जो है वो मैंने लिख दी BS CS लिख दी बस। अब हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे जाके एक इशू आ रहा है कि इंसर्ट स्टूडेंट ऑन नल स्टूडेंट BLL। अच्छा जी, यहाँ से लाइन नंबर 22, उधर से हम गए इसमें तो स्टूडेंट BLL की लाइन नंबर 11 पे जाके एरर आ रहा है। ओके, स्टूडेंट BLL की लाइन नंबर 11 पे ये वाला जो एरर है वो आ गया है। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने डॉलर दिस ऑफ करना था, ये इशू आ गया है, और इधर ठीक ही है बाकी जगहों पर।
ओके जी, अब हम दोबारा से रीलोड करते हैं। ठीक है जी, अब हम ने क्या किया, मैं दोबारा से एंटर दबाया तो ये देखें जी, अमार हबीब साहब जो हैं ये भी आ गए। आ गया ना, डेटाबेस में जाके देखते हैं ये इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने ब्राउज पे दोबारा से क्लिक किया तो देखें जी, इसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे एंटर हो चुकी है, हो गई ना। अब हम चाहते हैं कि हम ये जो एक स्टूडेंट है इसको फेच करें डेटाबेस से, सिर्फ एक स्टूडेंट। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, या चलें जी पहले हम इसी को देख लेते हैं फिर। तो हम स्टूडेंट DL में आते हैं, इधर आ गए। अब हमने क्या करना है, एक और स्ट्रक्चर बनाना है, क्रिएट प्रोसीजर, मेरे ख्याल से वो बना हुआ है। हाँ, गेट स्टूडेंट बाय SID, ये हमने पहले बनाया हुआ, गुड हो गया। बल्कि डिलीट का भी बना हुआ, हम इसका फंक्शन बना लेते हैं। हम एक डिलीट वाला भी बना लेते हैं, पहले जो बना हुआ है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी को कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट की बजाय क्या आ गया, डिलीट स्टूडेंट। और अब हमें यहाँ पे इतना कुछ नहीं चाहिए, हमें सिंपल SID चाहिए जिसकी बेस पे हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिलीट स्टूडेंट आ जाएगा और इधर सिर्फ SID आ जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी और इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बाइंड भी अब हमने एक ही चीज़ करनी है और वो है SID, बाकी चीज़ों को भी हमने बाइंड नहीं करना। तो इस तरह से हमारे पास ये डिलीट वाला जो फंक्शन है वो भी बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट का फंक्शन बनाया, हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं, पब्लिक फंक्शन। फिर आ गया हमारे पास सॉरी, ये मैंने कॉपी किया, डिलीट स्टूडेंट, और इसमें आ गया SID, और हम यहाँ पे आते हैं और इधर आ गया डॉलर दिस ऑफ OBJ स्टूडेंट डेल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास डिलीट स्टूडेंट, और इसमें डॉलर SID आ गया। ठीक हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया और हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब हमें पता नहीं लग रहा कि डिलीट के लिए क्या काम करना है और दूसरे के लिए कैसे करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट आया, एक बटन था, यहाँ पे हमारे पास दूसरा बटन भी आ जाएगा, और यहाँ पे जो बटन है वो डिलीट का हो जाएगा। अब इनकी जो टाइप है वो सबमिट की बजाय क्या हो जाएगी, बटन हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनको ID असाइन कर देंगे, BTN इंसर्ट या BTN ऐड भी कह सकते हैं आप इसको। और इसका जो है वो क्या होगा, BTN डिलीट। अच्छा जी, अब हमें कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा और कुछ दूसरा कोड जो है वो लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एक इनपुट फील्ड बना ली और उसकी टाइप क्या है, हिडन, और उसका जो ID है वो हम दे देंगे TXT, और यहाँ पे हम इसका नाम देंगे पेज स्टेट, और इसको हम नेम भी देंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें आगे भी चाहिए होगी, और हमने यहाँ पे दे दिया पेज स्टेट। ये किस लिए यूज हो रहा है? ये है इसलिए कि हम बताएंगे कि हम कौन से मोड में फिर रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है वो हम व्यू मोड में होते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये मोड कौन सा है,
व्यू मोड है। व्यू मोड पे हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो जब हमने इंसर्ट करना होगा, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके इंसर्ट कर देंगे, जब हम डिलीट करना है इसकी वैल्यू हम चेंज करके डिलीट कर देंगे, फिर ऊपर कोड में उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का कोड ऐड कर देते हैं, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमने लिख दिया ओके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी आ गया, और आईडी हमने दे दिया है btn insert, और इसके डॉट ऑन क्लिक पे हमने क्या करना है, हमने एक अनोनिमस फंक्शन क्रिएट करके हमने इसको कॉल कर देना। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फॉर्म को भी एक आईडी देना पड़ेगा, तो हमने इसको आईडी दे दिया स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे ये फॉर्म आ गया और इसको हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने से पहले हमने क्या करना है, हमने और ये भी डबल कोट्स में आएगा, तो यहाँ पे डबल कोट्स में हमने दे दिया txt पेज स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने इंसर्ट दे दिया। क्या हम इंसर्ट करने लगे, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या किया डिलीट लिखा, तो इधर भी डिलीट हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम इधर ऊपर आके कोड लिखेंगे सेपरेटली, तो इधर हमने स्विच लगा दिया एक, और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो है उसके अंदर का जो पेज स्टेट है वो आ गया। सबसे पहला केस जो है वो बना हमारे पास इंसर्ट का, और वो यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद केस बनेगा किसका डिलीट का, और वो भी यहाँ पे आके हमने ब्रेक कर दिया। तो इंसर्ट वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और हम कहाँ पे ले गए, उस इंसर्ट वाले केस में ले गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं, तो हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ से आईडी चाहिए, तो हमने इधर दे दिया ऑप्शन के यहाँ पे वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू, इस ऑप्शन को जो हम वैल्यू देंगे वही तो हमें बाद में हमारे काम आएगी, तो यहाँ पे हमने डॉलर ओबीजे स्टूडेंट डॉट गेट एस देख लेते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी किधर है हमारे पास, एक किधर लिख रहे थे हम, इधर ही लिख रहे थे,
जी गेट एस आई डी का, आई डी का आई छोटा है तो यहाँ पे हम आई भी स्मॉल कर देते हैं ताकि एरर ना आए। हमने क्या किया, यहाँ पे आई डी रखवा दिया और ये जो आई डी है ये हम बार बार हर एक के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और हम यहाँ पे आते हैं, इधर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, तो हम देख सकते हैं क्या क्या वाकई ही, या देखें जी वैल्यूज जो है वो, ये जो आईडी है वो यहाँ पे सेट हुआ हुआ। अब ये जब आईडी हमें वहाँ पे मिलेगा हम इसको इजीली यूज करके वैल्यूज को डिलीट कर सकेंगे। तो ये काम भी हो गया हमारे पास। तो हमने अब इसको सेलेक्ट को भी नेम दे देना है किस चीज का, एस आई डी का। और फिर हम अब यहाँ पे डॉलर ओबीजे स्टूडेंट बीएलएल है और यहाँ पे आ गया डिलीट स्टूडेंट और यहाँ पे डॉलर पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और इधर हमने दे दिया एस आई डी जो हमें यहाँ से आईडी मिल रहा है। इधर जो वैल्यूज के अंदर आईडी पड़ा हुआ है उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे ऊपर और हम वो वैल्यू को डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। तो हम ट्राई करते हैं, हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। अच्छा जी, हम किसका रिकॉर्ड डिलीट करें, मुबशर का कर देते हैं जी। मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया तो सिंटेक्स एरर आ रहा है, स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हम देख लेते हैं हमारे प्रोसीजर का नाम क्या है, डिलीट स्टूडेंट बाय एस आई टी। ओके जी, मिस्टेक हो गई हमसे, तो हम अपने प्रोसीजर का नाम जाके चेंज कर लेते हैं, डिलीट स्टूडेंट बाय एस आई टी। तो दोबारा आके देख लेते हैं जी, स्पेलिंग भी सेम। ओके जी, अब हम दोबारा से इसको रिफ्रेश किया तो क्या देखें जी, यहाँ से जो है वो हमारे पास मुबशर जो है वो डिलीट हो गया। लेकिन आप लोगों ने नोट किया है कि पहले एक दफा लोड हो जाता है उसके बाद हमें दोबारा से रीलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आते हैं स्टूडेंट में, हम ये सारा काम होने के बाद जो है अपने स्टूडेंट की लिस्ट जो है उसको अपलोड करें, अपडेट करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो डिलीट स्लीट होना है ये हो जाए एक दफा, इसके बाद हम अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर नए जो रिकॉर्ड है वो फेच हो जाएगा और उसके हिसाब से बाकी सारा कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और हमारे पास जो पहले वाला है हमने इसको सिलेक्टेड भी करना होता है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, इधर मैंने एक वेरिएबल रख लिया डॉलर इंडेक्स का टू जीरो और यहाँ पे इधर आके मैंने इफ की कंडीशन लगाई, इफ डॉलर इंडेक्स इज इक्वल इक्वल टू जीरो, तब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवा ले, एको करवा ले, आपकी मर्जी है।
यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे स्पेस के साथ सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर सिलेक्टेड। तो इसे ये जो पहले वाला है वो उसको बाय डिफॉल्ट खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, जो भी लिस्ट लोड होगी इसमें जो पहले वाला है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। और अब हम अगर कोई इंसर्ट भी करते हैं, हम मुबशर को दोबारा से ऐड कर लेते हैं, मुबशर, और ईमेल आ गया मुबशर, सॉरी इधर एचमैक आ गया @gmail.com, bscse कर देते हैं। तो ये देखें जी, मुबशर हमारे पास इंसर्ट हो गया और मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। अच्छा हाँ, एक और भी मसला आ रहा है, सारों को सिलेक्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे एक्चुअली इंडेक्स में इंक्रीमेंट भी करना था ताकि वो सारों को ना करे जो पहले है वाला है उसका, जब उसने एक इंक्रीमेंट हो गया था दोबारा वो नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ पहले वाला जो है वो सिलेक्टेड है, बाकी वाले सिलेक्टेड नहीं है। और अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो हमारे पास बुशरा जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गई। यहाँ से मैंने ये मुबशर को डिलीट कर दिया, तो ये देखिए डिलीट भी हो रहा है और इंसर्ट भी हो रहा है। ये बात क्लियर है सर हमको? Yes, sir.